हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रह सोनाली। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि चेहरे के दाग धब्बे, सन टैन और सनबर्न को दूर करने के कुछ बेहद असरदार घरेलू उपाय, और इन उपायों को अपनाकर आप अपने चेहरे की सुंदरता में नया निखार ला सकते हैं। परंतु आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आपने मेरे इस ग्रह सोनाली यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नए नए अपलोड्स के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें। और सब्सक्राइबर बटन के बगल में लगे बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि सारी नई नोटिफिकेशन की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। और यह जानकारी पसंद आने पर नीचे थम्सअप के बटन पर क्लिक करके इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सबसे पहला उपाय है पुदीना। यदि आपके चेहरे पर दाग धब्बे और मुहासों के कारण आपके चेहरा बिगड़ गया है, तो हर रोज़ पुदीने की पत्तियों का पेस्ट बनाकर इसका एक लेप तैयार कर लें, और इस लेप को हर रोज़ अपने चेहरे पर लगाइए। नियमित रूप से एक महीने तक इस उपाय को करते रहने से आपका चेहरा बहुत ही जल्दी बेदाग हो जाएगा। सेकेंड रेमेडी है कपूर और नारियल का तेल। कपूर और नारियल को एक साथ मिलाकर मुहासों पर लगाने से मुहासों के निशान बहुत जल्दी कम होने लगते हैं। इसके लिए इन दोनों इंग्रेडिएंट्स का मिक्सचर तैयार कर लें। अब इसे अपने चेहरे पर लगा लें और 10 मिनट के बाद अपने चेहरे को धो लें। यह उपाय एक्ने और पिंपल दोनों के लिए बेहद ही इफेक्टिव रेमेडी है। तीसरा उपाय है राई। लगभग 3 चम्मच राई के दानों को रात में थोड़े से पानी में भिगो दें। अब सुबह इनको पीस कर इसका पेस्ट तैयार कर लें। अब इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगा लें और 20 मिनट के बाद अपने चेहरे को नॉर्मल टैप वाटर से धो लें। इस उपाय को करने से कील मुहासे के निशान, सनबर्न और चेहरे के सभी दाग धब्बों से बहुत जल्दी आराम मिलेगा। अगला उपाय है टमाटर। टमाटर आपके चेहरे के काले दागों को मिटाने के लिए बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। इसके लिए थोड़े से टमाटर के रस में रुई को भिगोकर इसे अपने चेहरे पर मलें। ऐसा करने से चेहरे के काले दाग धब्बे साफ होते हैं। और हर रोज़ सुबह एक गिलास टमाटर के रस में थोड़ा सा नमक, जीरा और काली मिर्च मिलाकर पीने से बहुत जल्दी असर देखने को मिलता है। उबले हुए आलू के छिलके। इसके लिए आलू उबालकर उसे छील लें। अब इसके छिलकों को अपने चेहरे पर कुछ देर तक रगड़िए। ऐसा करने से मुहासे और एक्ने बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट रेमेडी है नींबू। त्वचा पर जहाँ कहीं भी चकते या निशान हो, उन पर नींबू को आधा काटकर उसे अपने चेहरे पर रगड़िए, या फिर नींबू में थोड़ी सी पिसी हुई फिटकरी डालकर इसे अपने चेहरे पर लगाइए। इस उपाय को कुछ दिनों तक लगातार करते रहने से आपको बहुत जल्दी पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ बताएगा इन सभी उपायों में से आप अपने सुविधा अनुसार कोई से भी एक या दो उपाय अपनाकर अपने इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक, ग्रह सोनाली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करें।